Come friends, welcome to my YouTube channel Rohan Online Solution, and also visit my first wall Gyan Ka Pitara. Friends, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास नाइन्थ नंबर सिस्टम एक्सप्रेस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्रेस 0.45 बार इन द पी बाई क्यू फॉर्म. दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो पिछले तीन क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पर आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको. सबसे पहले तो अपना स्टेप नंबर वन, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.45 बार. अब फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना होगा, देखने लायक बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है x इक्वल टू 0.45 बार है, डेट मीन्स यहाँ पर डेसिमल के बाद जो नंबर है उसके बाद एक नंबर पे बार लगा हुआ है. तो इसको अपन देखते हैं यहाँ पर क्या करना है. सबसे पहले आप लोग ये याद रखना है कि अगर डेसिमल के बाद एक नंबर हो उसके बाद बार लगाए, तो पहले अपन ये चेक करेंगे कितने नंबर पर बार है और कितने नंबर पर बार नहीं है. तो अपन यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद दो नंबर है जिसमें एक पे बार और एक पे बार नहीं है. तो अपना सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जिस नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है, जिस नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है मतलब यहाँ फोर पे बार नहीं है, जिस नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है तो उस नंबर को पहले अपन को डेसिमल के इधर शिफ्ट करना है. क्योंकि अपन यहाँ पे देखा एक पे बार नहीं लगा हुआ, एक पे बार लगा हुआ है, तो अपन यहाँ पर देखते हैं जितने पे बार नहीं लगा है केवल एक ही नंबर है जिस बार नहीं लगा हुआ है. मतलब मुझे अगर इसको डेसिमल के इधर शिफ्ट करना है तो मुझे 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, फिर इसको नाम देते अपन इक्वेशन नंबर वन. फिर अपन लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 10. तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.5 बार. इसको अपन नाम देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब दोस्तों यहाँ पर अपन ये भी चेक करना है कि मैंने जैसा अपने पहले बताया कि दो नंबर है अपने पास जिसमें एक पे बार और एक पे बार नहीं है. इस नंबर को मैं लेके आया, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया. अब मुझे ये चेक करना है कि एक पे बार लगा हुआ है तो मुझे इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है डेसिमल के इधर. तो मुझे अगेन ये पता है यहाँ पर एक ही नंबर इसमें बार लगा हुआ है, तो मुझे अगेन क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगेन मल्टीप्लाइड बाय 10 बोथ साइड. तो दोस्तों फिर से मुझे 10 का मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक नंबर पर बार नहीं लगा हुआ है. तो मैंने इस नंबर को इधर लाने के लिए क्या करा, क्योंकि ये नंबर अगर मैं इसको लिखूं ऐसे तो 10x तो मेरा ऑलरेडी है ही सही, और इनटू में 10 का मैंने फिर से मल्टीप्लाई कर दिया. और ये जो नंबर है मेरे पास यहाँ पर ये नंबर ऐसा कुछ लिखा हुआ है 4.55 बार, मतलब 5 बार रिपीट हो रहा है. इनटू मैंने फिर से 10 का मल्टीप्लाई कर दिया. तो दोस्तों ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, ये मैंने बोला जैसे मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया तो एक 5 उठ के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होने के बाद ऐसा बन जाएगा 45 पॉइंट, बाकी 5 ऐसे रिपीट होते रहेंगे क्योंकि मैंने केवल 10 का मल्टीप्लाई किया तो केवल एक 5 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होने वाला है यहाँ पर. अब दोस्तों यहाँ पर ये जो नंबर अपना ये बन जाएगा 100x इज इक्वल टू 45.5 बार, और इसको अपन नाम देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड. अब मुझे ये करना क्या है, मुझे करना है इक्वेशन नंबर सेकेंड को माइनस करना है थर्ड से. तो मैं लिखता हूं सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड. सेकेंड को थर्ड से माइनस करना है, दैट मीन्स अपना थर्ड इक्वेशन जो है वो इसका लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ 100x माइनस ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये तुम्हारे पास 45.5 बार माइनस ये तुम्हारा 4.5 बार. तो दोस्तों यहां पर राइट हैंड साइड में जो दिखा हुआ है 45.5 बार माइनस 4.5 बार, दोनों के डेसिमल के बाद के जो नंबर है वो दोनों सेम है, ये दोनों नंबर 5 बार. तो ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यू तो अपना आप कैंसिल हो ही जाएगी. इधर बचेगा अपने पास 100 माइनस 10 बचेगा 90x इज इक्वल टू, यहां बचा 45 माइनस 4 बचा 41, और पॉइंट के बाद जो नंबर है वो दोनों सेम है तो ये बचेगा 41.0. तो अपना जो फाइनल नंबर बनेगा आंसर वो बनेगा 41/90, और ये अपना फाइनल आंसर है. एंड इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्लीज वॉच एंड शेयर एंड कमेंट्स माय वीडियो. मैं आपको एक बार बता दूं करना क्या इस क्वेश्चन में.
आपको दिया हुआ एक्सप्रेस 0.45 बार इन पी बाई क्यू फॉर्म। ये क्वेश्चन पिछले तीन क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको ये करना है, पहले आप ये चेक करोगे कि कितने नंबर पे बार लगा हुआ है, कितने नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है। तो मैंने पहले ये चेक किया कि नंबर ऑफ बार जो है केवल एक पे है और एक पे बार नहीं है। इस क्वेश्चन का मेथड ये होता है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये करना है कि जिस नंबर पे बार नहीं लगा है उस नंबर को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो। तो मैंने देखा यहाँ पर केवल एक नंबर जिसमें बार नहीं लगा हुआ और एक पे जिसमें बार लगा हुआ है। तो पहले मैंने फोर को शिफ्ट करने की कोशिश करी इधर, तो क्योंकि एक ही नंबर इसलिए मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया 10 का, तो ये आएगा इधर, तो ये बन जाएगा 4.5 बार। अब मुझे इस 5 बार, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर एक नंबर पर बार लगा हुआ है, इस क्योंकि इस 5 बार को मैं लिख सकता हूँ 4.55555 अप टू डेसिमल प्लस तक, जितने भी अपन चाहे वहां तक लिख सकते हैं। अब क्योंकि मुझे इस 10 का मुझे यहाँ पर इस 5 को भी इधर शिफ्ट करना है, तो मैंने वापस अगेन 10 का मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर सेकंड में। दोस्तों ये हो जाएगा 10x इंटू 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको लिख दिया और 10 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई किया केवल इसलिए एक ही 5 उठ के यहाँ से, ये वाला जो 5 है ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा यहाँ से उठने के बाद, और ये बन जाएगा 45.555 बार, और इधर बन जाएगा 100x इक्वल टू 45.5 बार, क्योंकि 5 बार बार रिपीट हो रहा है। अब बारी आई माइनस करने की, तो मैंने क्या करा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो जैसे माइनस करेंगे हो जाएगा 100x माइनस 10x इक्वल टू 45.5 बार माइनस 4.5 बार, तो ये बन जाएगा 90x इक्वल टू 41.0, तो x बचेगा अपने पास 41.90, एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।